न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। रीवा जिले में नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण में 6 जुलाई को मतदान होगा। इस चरण में नगर परिषद मऊगंज, हनुमना एवं नईगढ़ी में मतदान कराया जाएगा। कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने तीनों नगर परिषदों का भ्रमण कर चुनाव के लिए किए जा रहे प्रबंधों तथा कानून व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर ने नगर परिषदों में बनाए गए स्ट्रांग रूम एवं मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्ट्रांग रूम में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की तथा मतदान केंद्रों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने नईगढ़ी के उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने स्ट्रांग रूम के बगल में 2 कमरों में मतगणना कराने के निर्देश दिए ताकि सुगमता से मतगणना का कार्य संपादित हो सके। उन्होंने मऊगंज एवं हनुमना में बनाए गए स्ट्रांग रूम देखे तथा मतगणना कक्षों का भ्रमण किया। कलेक्टर ने मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों में समुचित व्यवस्थाएं रहें, मतदान केंद्र तक पहुंच मार्ग दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों में दिए गए निर्देश के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हुए उनके फोटोग्राफ भेजें। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान दल कर्मियों के रुकने तथा उनके भोजन आदि की व्यवस्था ठीक ढंग से की जाए। कलेक्टर ने कहा कि असामाजिक तत्व तथा उम्मीदवारों से जुड़े अराजक तत्वों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति ने सपने में भी चुनाव के दौरान उपद्रव करने का मंसूबा बनाया तो वह जेल के अंदर होगा। अशांति पैदा करने वालों तथा अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मतदाता निर्भय और निष्पक्ष होकर मतदान कर सकें, इसके लिए प्रशासन हर संभव उपाय कर रहा है। कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तत्काल करें। उम्मीदवारों को भी चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में समझाइश दें। मतदाता बिना किसी दबाव के अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सके, इसके लिए हर मतदान केंद्र में व्यवस्था की जाए। भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लगातार भ्रमण करें, चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। चुनाव में किसी ने भी बाधा डालने का प्रयास किया तो वह कठोर दंड का भागी बनेगा। यह संदेश असामाजिक तत्वों तक पहुंचा दें। उन्होंने आम जनता को समझाइश देते हुए कहा कि बिना किसी भय के सभी मतदाता मताधिकार का उपयोग करें। हर मतदान केंद्र में पर्याप्त बल तैनात रहेगा, साथ ही पुलिस की सशस्त्र मोबाइल टीम लगातार क्षेत्र का भ्रमण करेगी। किसी भी तरह की कठिनाई होने पर तत्काल मोबाइल फोन पर सूचना दें, कुछ ही क्षणों में आप तक सहायता जरूर पहुंचेगी। भ्रमण के समय आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, SDM AP द्विवेदी, उप पुलिस अधीक्षक नवीन दुबे, संबंधित नगर परिषद के CMO, विभिन्न थाना प्रभारी तथा पुलिस बल उनके साथ रहा।